माननीय सभापति महोदय, देश में महिलाओं और बच्चों पर बढ़ते अत्याचार को रोकने हेतु मुझे 193 चर्चा पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपकी आभारी हूं। सभापति महोदय, जैसे कि नारी को शक्ति स्वरूपा मानकर उनकी स्तुति की जाती है, मैं महिलाओं के परिचय पर दो शब्द कहना चाहती हूं कि महिलाओं का परिचय वो होता है कि मेरा परिचय इतना कि मैं भारत की तस्वीर हूं, मातृभूमि पर मर मिटने वाले उन वीरों की पीर हूं, उन पुत्रों की दुविधा हूं जो हंस हंस झूला झूल रहे, उन शेरों की माता हूं जो रण प्रांगण में जुर गए, मेरा परिचय इतना कि मैं भारत की तस्वीर हूं। ये महिला की पहचान होते हुए भी आज भी नारी प्रताड़ित है। सारे कानून बनने के बावजूद अपराधों की जैसे बाढ़ सी आ गई है। एनसीआरबी के मुताबिक 1953 के मुकाबले में 2011 तक 250% अपराधों में वृद्धि हो चुकी है। 2013 में पूरे देश में 24,923 बलात्कार के मामले की रिपोर्ट दर्ज हुई, जिनमें 24,770 बलात्कार के मामलों में रिश्तेदार शामिल थे। 93% ऐसे मामले में नदी की रिश्तेदारी शामिल होती है। माननीय सभापति महोदय, महिला की सहनशीलता को आज भी कमजोर आंका जाता है। महिला को एक वस्तु के रूप में देखा जाता है, नहीं कि एक व्यक्ति की तरह। आज भी महिलाओं को सम्मान नित दृष्टि से नहीं देखा जाता। महिलाओं के साथ साथ बच्चों पर कम अत्याचार नहीं होते। नाबालिग बच्चों से भीख मंगवाना तथा नन्हे शिशुओं को संभवतः अफीम देकर उन्हें कड़ी धूप या भारी सर्दी में भी गोद में लेकर भीख मांगना बाल मजदूरी से भी अधिक दुखद शोषण है। देश में गरीब परिवारों के बच्चों की हालत बहुत नाजुक है। देश में बाल मजदूरी की समस्या सबसे विकराल है। भारत में 1990 में अंतर्राष्ट्रीय बाल अधिकारी संधि को अनुमोदित किया गया। इस संधि में पालन करने के जो प्रावधान किए गए उनमें जिनका अधिकार, संरक्षण का अधिकार, सहभागिता का अधिकार, विकास का अधिकार शामिल है। सुरक्षा अधिकार महिलाओं के विरुद्ध हिंसा को मानव अधिकार मुद्दे के रूप में परिभाषित करता है। माननीय सभापति महोदय, ये संयुक्त राष्ट्र संघ के महिलाओं के विरुद्ध सभी प्रकार की हिंसाओं के उन्मूलन पर कन्वेंशन 1993 के अनुरूप है। लेकिन पिछले कई सालों से महिलाओं के प्रति हिंसा पर, जैसे निर्भया कांड पर केवल निर्भया फंड ही होते रहे। निर्भया के साथ हुए हादसे में महिलाओं से संबंधित कानूनों पर सवाल या निशान लगा दिया है। दिल्ली के गेम रेप की घटना ने उद्वेगित एवं आंदोलित जनता के आक्रोश के कारण आज पूरे देश में महिलाओं की स्थिति है वो हम सबको मालूम है। हमारे प्रधानमंत्री ने, नरेंद्र भाई मोदी जी ने कहा है कि एक के साथ एक्शन भी होने चाहिए, और इसीलिए हमारे वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली जी ने महिला सुरक्षा पर विशेष जोर दिया है। कामकाजी महिलाओं के लिए 6 नए हॉस्टल खोले जाएंगे। अपराध की संभावना वाले क्षेत्र में महिला पुलिसकर्मी की 7 PCR वैन भी तैनात की जाएंगे। 155 महिला उप निरीक्षकों और 1,434 महिला सिपाहियों की भर्ती की प्रक्रिया भी चालू की गई है। इस वर्ष राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सभी जिलों में भी सरकारी और निजी अस्पतालों में क्राइसिस मैनेजमेंट सेंटरों की स्थापना करना भी प्रस्तावित है। मैं गुजरात की कर्मठ मुख्यमंत्री, हमारी माननीय महिला मुख्यमंत्री है पहली आनंदीबेन पटेल ने 2014-15 में जेंडर बजट पेश करके महिला सशक्तिकरण के लिए जो प्रतिबद्धता जाहिर की है, उसके लिए मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहती हूँ। महिला पर होने वाले जघन्य अपराधों में लगभग 50% किशोर शामिल है। वह इस अपराध में शामिल है इसलिए होते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि अगर पकड़े भी जाएंगे तो उन्हें सजा नहीं होगी। इनको भी बड़ों की तरह सजा मिलनी चाहिए। वर्तमान सरकार ने, मैं माननीय मेनका जी यहाँ बैठे हैं मंत्री श्री, वर्तमान सरकार ने कानून में बदलाव लाने की प्रक्रिया शुरू की है, वह सराहनीय है।
और इसलिए इतना ही नहीं, कई बार तो बड़े लोग भी किशोर नहीं होते और अपराध करते हैं, फिर भी वो अपनी छोटी आयु का प्रमाण पत्र बनवा कर दिखा देते हैं और सजा से बच जाते हैं। महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों में सभी को सजा कड़ी से कड़ी मिलनी चाहिए, ऐसा कानून भी बनाना चाहिए। मैं दुनिया में 1 लाख की आबादी पर 2.5 पुलिस कर्मियों का नियम है। 2011 में गृह मंत्री ने संसद में कहा कि हम 1 लाख की आबादी पर 174 पुलिस कर्मियों की स्थिति में है। हकीकत यह है कि आंकड़ा 2001 की आबादी के आधार पर आज की स्थिति में हमारे यहाँ 1 लाख की आबादी पर 134 से ज्यादा पुलिसकर्मी नहीं है। पिछले 40 सालों में बलात्कार के मामले में सजा की दर 47% से घट 23% पर आ गई है, यानी हर 4 बलात्कार के आरोपियों में से 3 छूट जाते हैं। 10 साल में 336% दुष्कर्म के मामले बढ़े हैं। शहरों और गांवों में जब महिलाएं अकेली रोजगारी के लिए बाहर आती है तो उनको अपनी सुरक्षा का डर लगा रहता है। वह अपने रहने के लिए सुरक्षित स्थान की तलाश में रहती है जहां रहकर वह अपना रोजगार कर सके और अपने आप को सुरक्षित रख सके। 2 मिनट में मैं सुझाव देके खत्म करती हूँ। और इसलिए वर्किंग वुमन हॉस्टल की सुविधा में बढ़ावा करना चाहिए ताकि उन्हें रहने के लिए जगह जगह भटकना पड़े और उनको रहने के लिए सुरक्षित स्थान मिले। मैं माननीय सभापति महोदय, जैसे यहाँ बच्चों के बारे में भी कहा गया है, महिला सुरक्षा के हेतु मैं एक बात कहती हूँ कि जरूरी है शौचालय, माननीय हमारी रमा जी और आगे भी मेरी माननीय सदस्य सी ने बात की थी कि महिला सुरक्षा के लिए जरूर है शौचालय, क्योंकि 17% महिलाओं के पास शौचालय की सुविधा नहीं है। शौचालय के लिए सोच भी बदलनी होगी, बदायूं जैसे इसका परिणाम है, और जागरूकता और जवाबदेही देनी पड़ेगी। मैं माननीय सभापति महोदय, मंत्री जी यह बैठे, मैं कहना चाहती हूँ, मेरे सुझाव देना चाहती हूँ कि कार्यस्थल पर महिला यौन उत्पीड़न के अधिनियम में कोई कमियां हैं उनको दूर किया जाए, जैसे कि फौज और कृषि में कार्यरत महिलाओं को इसमें शामिल नहीं किया गया है। शिकायत समिति में समिति के मुद्दों पर प्रशिक्षण के मुद्दों पर अधिनियम मौन है। शिकायत एवं समितियों को कार्रवाई के प्रति गंभीर नहीं है। पीड़ितों व यौन उत्पीड़न करने वाले व्यक्ति के बीच विवाद को सुलह द्वारा सुलझाने का प्रावधान नहीं है, लेकिन उनको मानसिक, आर्थिक एवं कष्ट की भरपाई कैसे हो सके उनके ऊपर भी मौन है। सभी जिलों में रेप क्राइसिस सेंटर जल्द से जल्द बनाए जाए। फास्ट ट्रैक कोर्ट में महिला जज होनी चाहिए। गुजरात पैटर्न की तरह जमीन दस्तावेजों की रजिस्ट्री महिला के नाम करने पर रजिस्ट्रेशन शुल्क मुक्त किया जाना चाहिए। आज गुजरात में महिलाएं अधिकांश संख्या में भूस्वामी बन रही। दो वाक्य प्लीज। महिलाओं पर होने वाले अपराध पर न्यायिक प्रक्रिया के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अदालतों का निर्माण किया जाए। गुजरात पैटर्न की तरह नारी अदालतें, महिला पुलिस स्टेशन तथा 33% पुलिस विभाग में महिलाओं का आरक्षण किया जाए। महिलाओं के लिए सुरक्षा की जागरूकता के तहत स्कूल और कॉलेजों में महिला NCC को बढ़ावा दिया जाए। माननीय सभापति महोदय, आखिर में मैं 2 शब्द कहना चाहती हूँ। यदि हमें मानवीय गरिमा को जीवित रखना है, सभ्यता व संस्कृति को शिखर तक ले जाना है, तो हमें महिला को सम्मान देना चाहिए। महिला के आर्थिक विकास में भी जुड़ना चाहिए, जैसे कि सक्षम नारी सक्षम समाज, सुरक्षित नारी सुरक्षित समाज। धन्यवाद।